तक 9 मुकदमे दर्ज हैं। कुशहर के अलग अलग थानों में 9 मुकदमे दर्ज हैं। हयात जफर हाशमी की क्राइम कुंडली सामने आ रही है। गंभीर मुकदमों के बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हयात पर गैंगस्टर गुंडा एक्ट जैसी कार्रवाई नहीं की गई है। ज्यादातर मुकदमों में हयात पर चार्जशीट लगी हुई है। कानपुर में खुलेआम घूमता रहा हयात जफर हाशमी। हयात पर ज्यादातर केस सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के दर्ज है और उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया। खुलेआम घूमता रहा कानपुर में और उसके बाद कानपुर की हिंसा के पीछे देखिए इसका पूरा मास्टर माइंड, इसका पूरा मास्टर प्लान जो है वो सामने आने लगा है। वो इसके बाद इसकी पूरी क्राइम कुंडली जो है वो सामने आ रही है। ज्यादातर मुकदमे में हयात पर चार्जशीट लगी हुई है। कानपुर में खुलेआम घूमता रहा था हयात जफर हाशमी। हयात पर ज्यादातर केस जो है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के, यहाँ पर कानपुर हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। मास्टरमाइंड हयात को लेकर अब बड़ा खुलासा कि अब तक 9 मुकदमे इस पर वहां पर दर्ज है। इसी के साथ शहर के अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हयात जफर हाशमी की क्राइम कुंडली अब दिख रही है। गंभीर मुकदमे के बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हयात पर गैंगस्टर गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई नहीं हुई है और यहाँ पर कई मुकदमों के बाद भी खुलेआम घूम रहा था जफर हयात हाशमी, जो कि देखिए कल पकड़ा गया है और उसके बाद देखिए उसके जो साथी हैं वो भी गिरफ्त में लिए गए। तस्वीरें देखिए कानपुर हिंसा के बाद से सामने आई हैं। हाथों में पत्थर लेके लगातार यहाँ पर पत्थरबाजी होती रही। काफी मुश्किल से इस पूरे मामले को शांत कराया गया था और उसके बाद देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर अब एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे। पीएफआई कनेक्शन जहाँ पर सामने आ रहा है हयात हाशमी का, वहीं उसकी पूरी क्राइम कुंडली भी सामने आ रही है। कानपुर में जो हिंसा हुई उसके पीछे कौन है, इन तमाम चीजों को यहाँ पर देखा जा रहा है। जफर हाशमी पर अब तक 9 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। शहर के अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज, लेकिन उसके बाद भी कोई कड़ा एक्शन अभी तक हयात हाशमी पर नहीं लिया गया था। गंभीर मुकदमों के बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। गैंगस्टर गुंडा एक्ट जैसे मामले इस पर दर्ज ही नहीं किए गए थे और कई मामलों में उस पर ज्यादातर मामलों में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी जितने भी मामले वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की उस पर सामने आए हैं और इसके बाद भी वो खुलेआम घूम रहा था। और एक और घटना को अंजाम दिया उसने 3 तारीख को जब कानपुर में ये हिंसा हुई। तस्वीरों में देखिए दिख रहा है किस तरीके की हिंसा की तस्वीरें थी उस दिन की जब कानपुर में पत्थरबाजी की गई थी। फुटेज ये वायरल हुए हैं। लोग यहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, यहां पर फायर गन भी किया जा रहा। 3 तारीख को हमारा खामोश इत्तेजाज दुकानों की बंदी का था, कारोबार की बंदी का था। 3 तारीख को शहर कानपुर में इंतजामिया और व्यस्त है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं, हमारे यहाँ देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं और VIP ड्यूटी होने के नाते इंतजामिया ने हमसे गुजारिश की है कि लिहाजा 3 तारीख के प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया जाए और 5 तारीख की जो आपकी कॉल है उसको हम पुरअमन तौर से आपके पूर्ण रूप से सहयोग करके उस कार्यक्रम को आप पर कराने का काम करेंगे। हमने उस पर उनकी बातों पर यकीन दहानी करते हुए ये ऐलान करते हैं हम कि आगामी 5 जून को इंशाल्लाह सुबह 11:30 बजे तमाम गुलामाने मुस्तफा, तमाम आशिकाने रसूल अपने आप को गिरफ्तार कराने के लिए ये भरो आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और रजबी रोड विधायक कृपान तोलंकी के कार्यालय के पास से हम लोग गिरफ्तारी के देने के लिए आगे बढ़ेंगे। सुने की PFI से संबंधित मिले अहम दस्तावेज यहाँ पर जफर के खिलाफ और उसके बाद भी अभी भी देखिए वो 5 तारीख का जिक्र कर रहा है और हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं हम। देखिए ये एक बयान देखिए अब दे रहा है ये जफर, जो कि कह रहा है 5 तारीख को हम फिर से इस पूरे मामले को आगे लेकर जाएंगे। अभी भी वही मंसूबा है क्या, अभी भी वहां पर तैयारी पुलिस की उतनी ढीली है क्या जैसे 3 तारीख को थी? विवेक देखिए शिवांगी, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से लोगों चर्चा में है लोग कि लोगों का कहना है, जो मैं अभी डिबेट सुन रहा था उसमें प्रवक्ताओं का कहना है कि जिस तरह से पैगंबर के लिए नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था उसको लेकर ज्ञापन देना चाहिए, तो ये पूरी तरह से इस बात से सहमत है कि ज्ञापन देना चाहिए और ज्ञापन दिया भी गया था। जफर हाशमी अपने लोगों के साथ में अकमल जो वहाँ पर ACP है उनके कार्यालय गया था, उसने शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पर ज्ञापन भी दिया था और उसके ज्ञापन भी ले भी लिया गया था और जिस तरह से आप अभी वीडियो में देख सकते हैं कि उसने भारत समाचार के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें वो साफ तौर पर बोल रहा है कि जो हमारा ये शांतिपूर्ण ढंग से विरोध होगा वो अब 3 तारीख को नहीं होगा, क्योंकि 3 तारीख को यहाँ पर जो देश के राष्ट्रपति और प्रदेश के प्रधानमंत्री यहाँ पर और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ रहेंगे, इसके चलते हम लोग 3 तारीख को ये अपना जो प्रदर्शन है ये नहीं करेंगे, ये हम जेल भरो आंदोलन 5 तारीख को करेंगे। तो
तीन तारीख को यहाँ पर उसने पूरी तरह से सहमत, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको सहमत कर दिया कि तीन तारीख को हम किसी प्रकार की कोई बंदी नहीं करेंगे। अगर तीन तारीख को बंदी नहीं करेंगे तो तीन तारीख को जुलूस क्यों निकाला गया? क्योंकि जिस तरह से भारत समाचार वीडियो दिखा रहा है कि जो जुमे की नमाज हुई, इस नमाज के बाद जो जुलूस निकला और जुलूस से कुछ अराजक तत्व जो थे वो एक पट्टी से और दूसरी पट्टी जो चंदेश और हाथा कहा जाता है उस हाथे की तरफ बढ़े, लोगों की दुकानें जबरन बंद करानी शुरू करी। तो जब यह पूरी बातें क्लियर हो गई थी कि तीन तारीख को किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं होगा, तो किसके कहने पर तीन तारीख को प्रदर्शन किया गया, किसके कहने पर जुलूस निकाला गया, तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश थी कि इस तरह से प्रशासन को भी गुमराह किया गया है और गुमराह करने के बाद इस तरह से इस दंगे को भड़काने का प्रयास किया गया है। शुभांगी जी, बिल्कुल, देखिए विवेक, यानी कि जो ये वीडियो हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, ये तीन तारीख के पहले का है जब उसने कहा था कि पांच तारीख को हम जेल भरो करेंगे। जी बिल्कुल, ये तीन तारीख के पहले का वीडियो है कि तो क्योंकि तीन तारीख को ये कार्यक्रम होना था, लेकिन यहाँ पर जो कानपुर देहात में राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री का दौरा था, इसके चलते इसने अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ ज्ञापन दिया और तीन तारीख को बंदी ना करने की बात कही, और ये जो तीन तारीख का विरोध था ये पांच तारीख को करने की बात करी गई थी। इसमें जो अधिकारियों ने सहमति जब उसने आश्वस्त कर दिया प्रशासन को कि तीन को कुछ नहीं होगा, जो भी होगा पांच को होगा, जेल भरो आंदोलन जो है वो हम पांच को करेंगे, फिर कैसे उसका नाम सामने आ रहा है, फिर वो फरार क्यों हुआ, वो भागा क्यों, फिर भी तमाम सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। और वो पहले से सीएनआरसी जैसे हिंसा के मामलों में वो संलिप्त रहा है, तो कैसे उसके बात पर यकीन कर लिया जाए, ये भी तो बड़ी बात है ना। देखिए शिवांगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एक वीडियो है, इससे पहले एक वीडियो वायरल हो चुका है जिसमें कई मौलाना बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, तो केवल ये एक ऐसा ही ये जफर हयात आसमी ही नहीं है इस पूरे दंगे का मास्टरमाइंड, इसमें और भी कई मौलानाओं के जो नाम निकल के सामने आ सकते हैं अगर इसकी गहनता से जाँच करी जाए कि जिस तरह से ये जफर आसमी ने यहाँ पर ज्ञापन दिया था, उसके बाद ये वहाँ से हट गया, और फिर वो कौन मौलवी है, वो कौन है जिसने लोगों को गुमराह किया, जिसने जुलूस निकाला, यह एक जांच का विषय है कि किस तरह से जुलूस निकाला गया, लोगों को गुमराह किया गया और लोग दुकानें जिस दिन बंद ना करनी थी उस दिन बंद। जबरदस्ती दुकानें बंद कराई गई और वहां पर जो ठेले में ईंट पत्थर लेके हजारों की संख्या में एकत्रित हुए, तो ये एक जांच का विषय है कि वहां पर इस तरह से लोगों को किसने भड़काया। जफर हाशमी के साथ अगर जाकर जांच करी गई, यहाँ की लोग जांच करेंगे तो जफर हाशमी के साथ साथ और भी कई मौलाना निकल कर सामने आएंगे। जो बड़े सवाल है कि कैसे 9 दिन पहले से पूरी साजिश रची गई, जाना तो यूं भी चले पर सब कुछ आ नहीं जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए कानपुर में हुई हिंसा से पहले का मुख्य आरोपी जफर हाशमी का एक बयान है, जरा वो सुन लीजिए क्या उसने पहले 3 तारीख से बयान दिया था। 3 तारीख को हमारा खामोश इत्तेजाज दुकानों की बंदी का था, कारोबार की बंदी का था। 3 तारीख को शहर कानपुर में इंतजामिया और व्यस्त है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं, हमारे यहाँ देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, और VIP ड्यूटी होने के नाते इंतजामिया ने हमसे गुजारिश की है कि लिहाजा 3 तारीख के प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया जाए और 5 तारीख की जो आपकी कॉल है उसको हम पुरअमन तौर से आपके पूर्ण रूप से सहयोग करके उस कार्यक्रम को आपका कराने का काम करेंगे। हमने उस पर उनकी बातों पर यकीन दहानी करते हुए ये ऐलान करते हैं हम कि आगामी 5 जून को इंशाल्लाह सुबह 11:30 बजे तमाम गुलामाने मुस्तफ़ा, तमाम आशिकाने रसूल अपने आप को गिरफ्तार कराने के लिए जेल भरो आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और रजबी रोड विधायक कृपाल सोलंकी के कार्यालय के पास से हम लोग गिरफ्तारी के देने के लिए आगे बढ़ेंगे।